आज मैं आप लोगों के लिए कैफे स्टाइल होममेड इचिलाड़ा की रेसिपी को लेके आई हूँ। इसे बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत और झंझट बिल्कुल नहीं होती है। रेसिपी भले ही 15 मिनट की है, लेकिन इसे खा के ना आपका मन जो है वो खुश हो जाएगा और आप कैफ़े जाना बिल्कुल भूल जाएंगे। तो फिर चलिए आज के इस होममेड चीज़ी इचिलाड़ा की रेसिपी की शुरुआत करते हैं। मेरे चैनल अर्थ किचन को सब्सक्राइब करें, यम्मी रेसिपीज़ को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर आज के इस कैफ़े स्टाइल होममेड इचिलाड़ा की रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर एक कढ़ाई के अंदर हमने 2 कप पानी डाल दिया है और इसे हमें मीडियम फ्लेम पर बॉयल करना है और इस पानी के बॉयल आने का वेट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी के अंदर अच्छे से जो है बॉयल आ चुका है। तो इसी स्टेज पर हमने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच नमक डाल दिया है और उसे भी यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर दें, यानी कि अच्छे से मिला दें। तो यहाँ पर हमें गैस की फ्लेम जो है मीडियम ही रखनी है। उसके बाद यहाँ पर हमने 1 कप मैक्रोनी पास्ता लिया है, उसको भी इसके अंदर बॉयल आने के लिए डाल देंगे, यानी कि इसे हमें 10 से 15 मिनट मीडियम फ्लेम पर बॉयल करना है और अच्छे से इसे भी मिला दें ताकि ये आसानी से बॉयल हो जाए। तो अब 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और हमारे जो मैक्रोनी पास्ता है वो अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये आसानी से जो है बॉयल हो चुके हैं, तो हम इसी स्टेज पर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर हमने एक सीव लगा दी है और इसको हमें कोल्ड वाटर से धो देंगे, यानी कि ठंडे पानी से धो देंगे ताकि हमारा जो मैक्रोनी पास्ता है वो ओवर कुक बिल्कुल ना हो। तो यहाँ पर इस तरह से हमने इन्हें कोल्ड वाटर यानी कि ठंडे पानी से धो दिया है ताकि हमारे जो मैक्रोनी पास्ता है वो ओवरकुक बिल्कुल भी ना हो और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकल जाए। तो यहाँ पर इसको अच्छे से हम इस पानी को निकाल देंगे। तो अब हमारा जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल चुका है। तो यहाँ पर हमने 1 छोटा चम्मच जो है ऑयल डाल दिया है, इससे हमारे जो पास्ता है वो बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं और खिले खिले बनेंगे। तो यहाँ पर इनको भी अच्छे से मिक्स कर दें। तो अब यहाँ पर हमने माइक्रोवेव को 180 डिग्री पर 10 मिनट पहले से ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था। तो अब एक बाउल के अंदर हम इन्हें पास्ता को यानी कि मैक्रोनी जो हमारे पास्ता है उनको अच्छे से सेट कर देंगे क्योंकि हमको इसे बेक करना है। तो यहाँ पर इनको अच्छे से यहाँ पर हम इनके अंदर सेट कर देंगे, यानी कि बाउल के अंदर अच्छे से इनको सेट करने के बाद यहाँ पर हमने 2 छोटे चम्मच पास्ता सॉस ली है जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाती है। तो यहाँ पर इसे भी हम डाल देंगे और इसको भी यहाँ पर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, यानी कि इवनली स्प्रेड कर देंगे। यहाँ पर इसे मिक्स नहीं करना है, केवल ऊपर ऊपर से ही इसको इवनली स्प्रेड करना है ताकि इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद यहाँ पर हम इसे चीज़ी बनाने के लिए इसके अंदर प्रोसेस चीज़ लिया है, उसको भी इसके अंदर ग्रेट करके डाल देंगे। चीज़ जितनी अच्छी डालते हैं इचिलाड़ा उतना ही अच्छा बनता है। उसके बाद यहाँ पर हमने लंबे और पतले स्लाइसेस में शिमला मिर्च को काट दिया है, उसको भी यहाँ पर इसके अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पर हमने थोड़े से कॉर्न लिए और उनको भी इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने फिर से प्रोसेस चीज़ ली है और उसको भी यहाँ पर ग्रेट करके इसको अच्छे से कवर अप कर देंगे क्योंकि हम इसके अंदर चीज़ जितनी अच्छी डालते हैं हमारा जो इचिलाड़ा है वो उतना ही चीज़ी और यमी बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने प्रोसेस चीज़ को इसको अच्छे से कवर कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पर हमने मिक्स्ड हर्ब्स और चिली फ्लेक्स लिए हैं, उनको भी यहाँ पर अच्छे से स्प्रिंकल कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इन सभी को यहाँ पर अच्छे से स्प्रिंकल कर दिया है। उसके बाद हम इसे माइक्रोवेव में 180 डिग्री पर 20 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर हमने इनको बेक होने के लिए रख दिया है। तो अब 20 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो इचिलाड़ा है वो बेक हो चुका है, तो हम इसे माइक्रोवेव के अंदर से निकाल देते हैं। तो आप इसे गर्मा गर्म ज़रूर सर्व करें क्योंकि ये गर्मा गर्म बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तब आप देख सकते हैं कि चीज़ इसमें कितने अच्छे से मेल्ट हुए और सभी जो इंग्रेडिएंट्स आपस में कितने अच्छे से मिक्स हुए हैं और ये कितने अच्छे से इसके अंदर बेक हुआ है। तो हम आपको निकाल करके दिखा देते हैं। तो ये दिखने में जितना चीज़ी और यमी लग रहा है खाने में उतना ही यमी और
टेस्टी है। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर पर यम्मी और चीज़ी इचिलाड़ा की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की ये होममेड कैफे स्टाइल चीज़ी इचिलाड़ा की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बने रहिए इसी तरह की और नई यम्मी रेसिपी के साथ।